दर्द को महसूस करने वाला बनो, अकलमंद तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। एक बच्चा पिल्ला खरीदने के लिए उस दुकान पर जाता है जहाँ पे पिल्ले मिलते हैं। वहाँ पे दुकानदार कई सारे पिल्ले रखे हुए थे और उसके अलग अलग प्राइस हुआ था। तो दुकानदार ने उस लड़के से कहा, तुम्हें कौन सा पिल्ला चाहिए? लड़का सभी पिल्लों को बड़े गौर से देख रहा था और देख रहा था कौन सा पिल्ला अच्छा है। तो जब सभी पिल्लों को वो देख रहा था तो उसे दूर कोने में बैठा, दुबक कर बैठा हुआ एक पिल्ला दिखाई दिया। तो उसने उस दुकानदार से पूछा कि अंकल, वो जो पिल्ला दुबक कर कोने में बैठा हुआ है, वो वहाँ कोने में क्यों है? वो इन सभी के साथ क्यों नहीं खेल रहा? दुकानदार ने उसको कहा कि वो पिल्ला अपाहिज है। तो उसने कहा, तो क्या आप उसका क्या करेंगे? तो उस दुकानदार ने कहा कि हम उसको इंजेक्शन देके हमेशा के लिए मार देंगे। तो उसने कहा कि क्या मैं थोड़ी देर उस पिल्ले के साथ खेल सकता हूँ? तो तभी दुकानदार ने कहा, ठीक है, तुम थोड़ी देर उसके साथ खेल लो। बच्चा जाता है उस पिल्ले के पास, उसको सहलाता है, उसको प्यार देता है, उसके साथ खेलता है। पिल्ले को पहली बार ऐसा प्रेम मिला, ऐसा किसी ने उसको पहली बार सहलाया था। पिल्ला बहुत खुश हुआ और उसके साथ खेलने लगा। लड़का आया, उस दुकानदार से पूछा, अंकल मुझे वो पिल्ला खरीदना है, मुझे वो पिल्ला दीजिए। तो दुकानदार ने कहा कि वो पिल्ला बिकाऊ नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बेच सकता। तो कहा, क्यों नहीं? लड़का 2000 निकाला, 2000 का नोट उस दुकानदार के हाथों में दे दिया और कहा, बाकी के पैसे मैं अपनी माँ से लेकर आता हूँ। तो दुकानदार ने कहा, बेटा तुम्हें यही पिल्ला क्यों चाहिए? तो लड़के ने कहा कि कुछ नहीं, बस चाहिए। लड़का पीछे घूमा, उस अंकल के तरफ देखा और उसने कुछ नहीं कहा, अपने पैंट को ऊंचा किया तो उसके पैर में ब्रेस लगा हुआ था। तो उस दुकानदार ने उसके पैरों की तरफ देखा और दुकानदार बिल्कुल चुप हो गया, कुछ कह नहीं पाया। उसके आंखें नम हो गई और उसने सोच लिया कि आज किसी बच्चे ने मुझे इंसानियत सिखाया। तो दोस्तों, हमें इंसानियत सीखना है, हमें हमारे मन में दया भाव रखनी है सभी भी जीवों के प्रति। कोई भी जीव है, सब बराबर समझना चाहिए, सबको बराबर प्रेम देना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।